क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सेशन किए, वहां पे क्वेश्चन जो आता है उसके आंसर दिए, उससे मेरे को मार्क्स मिला कि आप 10 में 8 मिला है, आप 10 में 7 मिला है, 7 में 5 और मिला, यानी कि आप फिर से पढ़ाई करना पड़ेगी भाई साहब, वो करना तो पड़ेगा। मोदी का मतलब ये नहीं है, प्रोडक्ट है, चलो पेस्ट साबुन ब्रश बेचे और काम बन गया, तब तो आपको 2000 1000 3000 में ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इनिशिएटिव, आप अगर खुद नहीं लोगे टीम में प्रमोट नहीं करोगे तब तो सर दिक्कत है, क्योंकि इतना सारा इनिशिएटिव कंपनी सब करता है, बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बहुत सारा इन्वेस्ट करता है, और ये सब करने के पीछे रीजन एक ही है कि कंसल्टेंट को कितना ज्यादा एडुकेटेड किया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं हर एक जगह पर बोलता हूँ कि वही लीडरशिप मैं देखा हूँ कि ग्रोथ करते हुए तो आपका टीम में जब लोगों को पता चलेगा लास्ट मंथ का जो मीटिंग सर करने आए थे उस सर ने और इस मंथ का सर ने आसमान जमीन का फर्क आया है, तब बोलेगा भाई साहब राइट पर्सन। लेकिन 6 महीना हो गया बंदा वही था तो वही है, तब तो मुश्किल है आपका टीम टिकना, तब तो मुश्किल है आपका ग्रोथ लाना, जिसके लिए आपको बहुत सीखना पड़ेगा एज ए लीडर। एडुकेशन लेना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए नहीं, एडुकेशन लेना पड़ेगा आप में और भी पर्सनलिटी डेवलप करने, एडुकेशन लेना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्ञानी बन जाऊं और बाबा जी जैसे बात करने लगे। ज्ञानी इसलिए बनना है कि बहुत सारा ज्ञान रहेगा, बहुत सारा नॉलेज रहेगा ना, तो आपका जो 15 मिनट का मीटिंग होगा वो धुआं धार रहेगा, नहीं तो आपका पास नॉलेज अगर लिमिटेड रहेगा आप ड्रैग करते रहोगे, इसको खींचते रहोगे, नॉलेज तो लिमिटेड है, उसको फिर से समझाना स्टार्ट करोगे और उसको ड्रैगिंग करना स्टार्ट करोगे। इसीलिए अगर किसी को 2 मिनट बोलना दिया जाए 2 मिनट बोल देता, उसी को अगर 10 मिनट बोलने दिया जाए एक ही बात को रिपीट करते रहता है, रिकॉर्डर जैसा, क्योंकि नॉलेज उसका लिमिटेड है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका तो बहुत सारा नॉलेज रहेगा, आप उसको कर सकते। तो आज भी हम लोग प्लान तो मोटा मोटे हम लोग जानते हैं, समीर मोदी आता थे प्लान 2.0, और दूसरा बात है हम लोग बहुत सारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग पहले समीर मोदी आते प्लान में काम कर चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, लेकिन हाँ कुछ नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया जिसपे कुछ हैबिट्स का ऊपर भी हम लोग बात किए हैं, समीर मोदी आजादी प्लान और उसके बाद ग्लोबल प्लान एंड 2.0। इस जर्नी का दौरान कुछ हम लोग एक्सपीरियंस गैदर किए जिस एक्सपीरियंस को हम लोग वर्क ऑन प्लान में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसपे हम लोग यहाँ पे लिखा गया कि समीर मोदी आदर प्लान 2.0 फेब्रुअरी का एक्शन प्लान क्या है, टुडे इज ऑलरेडी 18, हम लोग पास और भी 10-11 दिन टाइम है, 28 तक हम लोग के पास टाइम है, 10 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये नॉट ओनली फेब्रुअरी, इसको हम लोग एवरी मंथ पे अगर फोकस करेंगे तब हम लोग अच्छा एक जगह बना सकते हैं समीर मोदी आदत प्लान 2.0। फर्स्ट फोकसिंग पॉइंट क्या हो रहेगा, बुलेट हम लोग का क्या कहते हैं, फर्स्ट इज फेब्रुअरी एंड बियॉन्ड फोकस, फेब्रुअरी एंड बियॉन्ड फोकस, फेब्रुअरी तो ठीक है उसके बियॉन्ड भी आप लोग क्या क्या फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट sponsor using आजादी jackpot offer, इस मायने jackpot का offer, इस मायने तो आप after all jackpot को promote कीजिए, इस मायने अगर repurchase में जो 10% free product मिलता है नया बंदा join करता है उसके लिए 3 महीना chance रहेगा February March April 2x benefit पाने के लिए, यानी कि 200 का product 400 मिलने वाला है, 300 का product 600 मिलने वाला है, 500 का product 1000 मिलने वाला है, जो 12,000 परचेस करेगा वो तो नया कंसर्न है। देखिए वो नहीं है कि जहाँ पे वो आपका फ्राइड पैन राज करेगा,
वो सबसे ज्यादा राज करने वाला स्पैन है, क्योंकि देखना हम लोगों का बिजनेस